All right, a very good morning, you all. It's the day 2. अच्छा सुबह, थोड़ा सा उल्टी जैसा लग रहा था मुझे क्योंकि खाना इतना ज़्यादा हो गया था कल रात को कि क्या बात करें, इसलिए पूरा यहाँ तक भरा हुआ था अभी सुबह तक भी। तो थोड़ा फ्रेश होने के बाद थोड़ा अच्छा लग रहा है और व्यू नज़ारा इतना ज़बरदस्त है, आपको अभी दिखाता हूँ। लेकिन अभी सुबह इतना अच्छा लग रहा है कि अभी आपको मालूम पड़ेगा कितना अच्छा क्लाइमेट है यहाँ पर। क्या बात है यार, सच में इट्स ऑल वर्थ इट कम्प्लीटली। और आपको वो दिख रहा है वहाँ पे, वो अपना रिवर है और वहीं पे काइकिंग हुआ था और वहाँ पे ऊपर देखो रिवर के ऊपर फॉग जमा हुआ है, पूरा फॉगी फॉगी। कमाल है यार, कमाल। उन खुली आंखों से देखने का मज़ा ही कुछ और है। और आप कर्टन्स भी नहीं हटा दो तो डायरेक्टली आपको यहाँ का व्यू दिखेगा सामने का, बहुत खूबसूरत। अच्छा, आज का प्लान तो यही रहेगा कि हम लोग यहाँ पे यहाँ से 9-10 बजे चेकआउट करेंगे, हो सके तो यहीं से स्ट्रॉबेरी उठा लेंगे और महाबलेश्वर थोड़ा एक दो पॉइंट्स घूमेंगे और फिर हम लोग घर के लिए निकलेंगे। हम लोग का नहाने का भी मन नहीं कर रहा है, इतनी ज़्यादा ठंडी है। तो देखते हैं, अगर टाइम से रेडी हुए तो ब्रेकफास्ट करेंगे, नीचे फिर एक बार कायाकिंग करेंगे एंड देन विल लीव। तो GoPro टाइम लैप्स के लिए वहाँ पे रख दिया है, अभी देखते हैं टाइम लैप्स कैसा आता है। मीन वाइल आई एम गोइंग डाउन एंड आई एम कलेक्टिंग स्ट्रॉबेरीज इनके खेत से, 200 रुपीज पर kg। तो अभी उठा लेंगे स्ट्रॉबेरीज, लेट्स गो। हैंड पिकिंग करेंगे स्ट्रॉबेरीज का हम लोग, हैंड पिकिंग। सगळं तोडलं बघा, असू दे करा करतो असंही नाही हे बघा, हे थोडं वाकवाय। ओके ओके ओके, चालेल चालेल। परफेक्ट हँडफुल ऑफ स्ट्रॉबेरीज, अब थोडं और तोडूंगा और थोडा भैया को बोलूंगा मेरा इधर एक शूटिंग लेने के लिए, व्हिडिओ लेने के लिए, क्योंकि बहुत अच्छा लग रहा। फाइनली आई गॉट माई शेयर ऑफ स्ट्रॉबेरीज राइट हियर, ये जो मैंने तोड़े हुए हैं। तो भैया बोल रहे हैं फिलहाल तो थोड़े खट्टे हो सकते हैं, लेकिन फिर भी खट्टे हैं। चीज़ दिखाई नहीं कि रूम्स कैसे हैं। So there is one bed, two people can sleep. There's another bed, two people or three people. There's one cupboard, useless चीज सबसे ज़्यादा, और bathroom जो है, shower है, hot and cold पानी, लेकिन अभी test नहीं किया कि मैंने कितना गर्म पानी आ रहा है ये सब, और सब transparent खिड़की। तो अब क्या होता है, सुबह सुबह ही ये view का लुफ्त उठा सकते हैं। सर गुड मॉर्निंग। ऑलराइट, तो पूरा पैकिंग पूरा तैयारी हो चुका है, अभी सिर्फ जैकेट पहनना है, डब्बा बाइक पे रखना है एंड यहाँ से 1-2 का 4 होना है।
सनस्क्रीन मॉइस्चराइजर सब लगा के एकदम। हाँ ओवर नाउ, इट्स टाइम टू गो। सुबह के एक्चुअली 10:30-11 हो रहे हैं, बहुत धूप तेज आ रही है। विक्षित ने सामान लोड कर दिया है, अभी बस मैंने भी सामान लोड कर दिया है। गाड़ी निकलते निकलते एंड या इट्स वर्थ द स्टे। फैमिली के साथ आना है तो आ जाओ, बट इन केस इफ यू आर प्लानिंग फॉर लाइक अ लार्ज ग्रुप देन डोंट प्लान दिस डेस्टिनेशन। इफ यू आर कमिंग फॉर पीस देन यू आर गुड टू गो। हम लोग लेक के साइड बाइक लेके जाते हैं, थोड़ा फोटो खिंचाते हैं देन वे लेके। क्योंकि क्या है कि इनका वैसा ही कुछ क्रेज़ बचा नहीं मेरे अंदर आजकल, मेरा बहुत जल्दी चीज़ों से मन उड़ रहा है। इस बकेट लिस्ट से टिक टिक करते जा रहा हूँ सारी चीज़ों को। हाँ लॉन्ग जाना हो तो ऑल राइट, इट्स टाइम टू लीव। पुरानी का एक प्रॉब्लम ये है कि ये पिन थोड़ा सा भी हिलता है वायर तो एक साइड का सुनना बंद हो जाता है, तो पिन निकाल के वापस घुसाना पड़ता है। या तो वायरिंग सही कर लो अपनी, या तो पिन निकालो और वापस घुसाओ। लूज ग्रेवल है यहाँ पे तो थोड़ा आराम से, डू नॉट कट द पावर, डू नॉट कट द पावर। ओके तो भैया ने बोला कि पहला जो राइट आएगा वो सीधा लेक की तरफ लेके जाएगा। पहला राइट माने शायद वही साइड होएगा, तो देखते हैं। बस तय हो गया है, नेक्स्ट ईयर में चेंज कर रहा हूँ GoPro। नेक्स्ट ईयर नहीं, ये बाय द एंड ऑफ दिस ईयर ओनली मे बी। हमने वहाँ से एक राइट लिया, फिर यहाँ से होके मतलब कल जो जो हमारा क्या बोलते हैं कायकिंग के लिए जैसे उतर के हम लोग यहाँ पे नीचे आते हैं, बस यहाँ से एक रास्ता भी निकलता है। तो यहाँ से रास्ता निकल के हम लोग यहाँ पहुँचे हैं एंड चेक दिस आउट, पीसफुल। और अभी प्लान है कि बस फोटोज लेंगे एंड देन निकलेंगे। काफ़ी ज़्यादा फोटो ले लिया हमने, तो अभी प्लान है कि ऐसा घुमाते हैं गाड़ी को ऊपर चला के लेके जाएंगे और वो वहाँ से लेके वहाँ खड़े रह के एक वीडियो लेगा। बाइक के साथ अच्छे फोटोज है ही नहीं मेरे। इन केस इफ यू वांट टू सी आवर फोटोज यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम। क्या हो गया, टाइम टू से बाय बाय टू प्लेस। अभी फिर से अभी आते टाइम हरामखोर GoPro ऑन नहीं हुआ, लेकिन जाते टाइम मैं दिखेगा। यहाँ पे थोड़ा नेटवर्क आया इसलिए फिर से मैप लगा दिया और यहाँ पे काम थोड़ा चल गया। ऑलराइट, अभी दिखाता हूँ मैं आपको रास्ता। मस्त रास्ता है अंदर आने का भी। अपना जो स्टे है इधर से ही ऊपर जाते जाते, कल इधर से ही आए थे ना हम लोग नीचे यहाँ पे। गुड प्लेस, गुड प्लेस। ये भी एक स्टे है कोई तो, कोयना एग्रो टूरिज्म, तो यू कैन बुक दिस इफ यू वांट। यहाँ पे कैंपिंग वैम्पिंग का भी जगह मिले तो भी अच्छा है। ओके आ गए ऊपर।
यहाँ से राइट लिया था हमने, यहाँ पे रुकता हूँ, मुझे बस आपको रास्ता दिखाना था इसलिए मैं आगे आया। अभी सीधा घाट्स में कंटिन्यू करूँगा मैं। तो विक्षित वांटेड टू टेक पिक्चर ऑफ दिस, एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा ही अच्छा ही है, मैं भी ले लूँ के फ़ोटो, उसके फ़ोन से ही लेता भी वो फ़ोन। मेरे को फोन फिर से यहाँ से निकालना पड़ेगा एंड फिर से आई हैव टू डू लॉट ऑफ थिंग्स, आई जस्ट पीछे देखना, अभी पीछे देखना, क्या बोला? हाँ तेरे फोन से ही ले ले, तेरे फोन से ही ले ले। हाँ हाँ ऐसे लेना, बस मोड में लेना, ठीक है? मैं भाग के आता हूँ, बस मोड। अभी मैं यहाँ पे जाऊँगा, वो वहाँ से फ़ोटो लेगा। फ़ोटो ले लिया मेरा भी। ये इतना रोड स्टीप है, बहुत केयरफुली चलाना, मतलब टर्न लेना पड़ेगा, यू टर्न। ओ फक, ओ शिट, ओ शिट, कम ऑन कम ऑन। सस्पेंशन, यूज द सस्पेंशन टू टर्न बैक। ओके ओके, थैंक गॉड, थैंक गॉड दैट आई नो दिस ट्रिक्स, अदरवाइज आई वुड हैव गॉन। थोड़ा भगाने का मन कर रहा है, पता नहीं क्यों। सोच रहा फ्यूल यहीं पे भरा लूँ, एक ही पेट्रोल पंप है यहाँ पे, आगे महाबलेश्वर में भी होंगे, लेकिन आई हैव नो आइडिया मैन, यहाँ कुछ भरा नहीं कर रहा हूँ। तो पेट्रोल पंप इधर ही है, वी डिसाइडेड पेट्रोल हम लोग यहीं पे डालेंगे। और यहाँ पे पूरे तापोड़ा में ये एक ही पेट्रोल पंप है, तो तुमको भी भरन हो तो भरा लेना इधर से। आई होप सो कि कार चले वहाँ पे। कितना है भाई? 107। दादा कार्ड है मक्का है, नेटवर्क है क्या तुझे? मुझे आ रहा है 4G जियो का, मैं पे पहले करता हूँ फिर चेक करता हूँ हो रहा है कि नहीं, पहले चेक करता हूँ भाई। ये 7 लाख, हाँ सहा, हाँ ओके। मेरा तो फ्यूल अप हो गया 700 में, विक्षित बोला कि उसका हाईवे तक चल जाएगा तो वो यहाँ नहीं भराएगा। नेटवर्क भी फॉर्चुनेटली आ गया थोड़ा बहुत, तो अच्छा है। आ गया टाइम पे, जाइल क्या पूरा नहीं जाना, मोर्चा चलो है क्या? विक्षित खालून जाईल,
मोर्चा चल रहा है, मोर्चा। यहाँ से रोड निकलेगा क्या भाई? गूगल मैप्स करो कुछ जादू, डू सम जादू गूगल मैप्स। ये तो कुछ जादू कर ही नहीं रहा, कम ऑन कुछ जादू करो, रोड निकालो स्टूपिड गूगल मैप्स। अच्छा नेटवर्क ही नहीं है, कहाँ से निकालेगा? तो मुझे खुद को ही फिगर आउट करना पड़ेगा भाई, गलियों से चला रहा हूँ। क्या इधर से भी नहीं जा रहा है? ये तो बहुत लंबा काम हो गया। इट्स लाइक मिनी हिमाचल टू बी ऑनेस्ट TBH। अरे कहाँ गया ये? राइट गया क्या? क्या कर रहे हो भाई, क्या कर रहे हो, मरवाओगे मुझे? सिर्फ टायर टच हो गया हल्का। अबे कहाँ गया, किधर गए हो छोकर? अच्छा इधर है, अभी पकड़ लिया गूगल मैप्स ने नेटवर्क। अरे ये तो वन वे लगता है, फक। अभी कोई ऑप्शन नहीं, घुसा दिया तो घुसा दिया। काहे का मोर्चा कर रहे हो भाई आज तुम लोग? चल रहा है क्या कैमरा? चल रहा है, मैं थोड़ा थोड़ा देर बाद चालू करता हूँ क्योंकि इसकी बैटरी डेड हो जाएगी। मैं याद आया, ये एक पॉइंट है, करेक्ट। यहाँ पे तुमको घोड़ा वोड़ा चलाना होगा तो ये सब कर सकते हो। पार्क योर कार राइट हियर, बाय गाजर्स, बाय, ओह देयर आर लॉट ऑफ फ्रूट्स। ओके पहुंच गए भाई मैप्रो। सोच रहा यहीं पे कुछ खा लेते हैं। अभी दो बेवकूफ़ लोगों ने गाड़ी बीच में ही रोकी और हम लोग आ रहे 60-70 से। पार्किंग पार्किंग है ना? अंकल ने हटाया नहीं, पीछे इतने दो बड़े बड़े बाइक आ रहे हैं, उधर ही पार्क करके खड़ा है। प्रो आ चुके हैं और यहाँ पे टाइट पार्किंग कर दी हमने, फ्री पार्किंग है। तो यहाँ से नीचे जाएंगे, पिज़्ज़ा खाएंगे, टाइम पास करेंगे एंड देन विल लीव फॉर द डे। ये देखो पूरे हेलमेट के निशान आ गए मुंह पे। तो अंदर तो आ गए, लेट्स फाइंड द पिज्जा प्लेस। देखो कुछ लेना है क्या यहाँ पे?
तो फिर हम लोग क्या करते हैं, नीचे जाते हैं और फिर ये लेते हैं अपना पिज़्ज़ा, बड़ा सा पिज़्ज़ा अंदर वो लेते हैं। बहुत ज़्यादा रश होता है मैपुर में, बहुत ज़्यादा रश होती है हमेशा, इवन ऑन द वीकडे। कौन सा दिखा स्टोरी के लिए? फॉलो, मेक श्योर टू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम। पहले सीधा घुसेंगे, ये साइड में रेस्टोरेंट है, ये साइड में, और यहाँ पे पहले वॉशरूम होके फिर बैठेंगे पिज़्ज़ा खाने। वॉच द स्टेप, हियर यू कैन ऑर्डर द पिज़्ज़ा एंड फ्राइज। हम लोग पिज़्ज़ा खाएंगे। दीज आर योर पिज़्ज़ा ऑप्शंस, और वो थिक शेक्स, डिजर्ट्स एंड मॉकटेल्स। ले तो लिया है 1134 रुपीज़, और सीधा वहाँ से लेंगे, और वहाँ से लेके फिर विल ये दे के शेक पी लेंगे ये वाला। तो वहाँ से ओवन में पिज़्ज़ा बन के सीधा जाएगा हमारे पेट में। हेलो, पिज़्ज़ा के बारे में गलत था, ये तो बहुत चीज़ी और क्रीमी लग रहा है। लेट्स हैव अ फर्स्ट बाइट। ओरिगन और रेड चिली डालना पड़ेगा। ओके, फाइनली स्ट्रॉबेरी थिक शेक आ चुका है स्ट्रॉबेरीज के साथ, और पता नहीं अंदर क्या क्या है, ऊपर क्रीम है। ये यहाँ तक पूरा है, दोनों को भी ख़त्म नहीं हो रहा, और एक पिज़्ज़ा का स्लाइस भी बच गया, तो वो भी हम लोग छोड़ रहे हैं। इससे ज़्यादा तो नहीं जाएगा हमको, सीधा बाहर जाते हैं, बाइक उठाते हैं, टाटा बाय बाय फोर टू मैप टू। ये मत डाल, ऑडियो नहीं डाल रहा है। नहीं, ऑडियो नहीं डालूंगा। ठंडी हवा चल रही है, एकदम ठंडी हवा, और दोपहर के 2 बज रहे फिर भी। ऑलराइट भाइयों बहनों, 3 hours 49 minutes टू गो। मैप्रो के बाहर आ चुके हैं, खाना खा चुके हैं, सब सेटअप करने में साला 10 मिनट और अलग से लग जाता है। अभी नेक्स्ट टाइम से स्प्लेंडर लेके आएंगे, कुछ पहनना नहीं है सर, एक शर्ट, एक पैंट और एक चप्पल, ये सब ताम झाम में बहुत टाइम लगता है। सर जैकेट उतारो, जैकेट पहनो, मटका उतारो, मटका पहनो। अभी यहाँ से पता नहीं सर धक्का बुक्की करके यहाँ से ऐसा ओइंग और फोइंग। हाँ हो गया, तो पहले वो गाड़ी निकालेगा फिर अपन गाड़ी निकालेंगे, तब तक के लिए बैठ तो सकते हैं। ओके निकल गई, फॉरेनर भी आए स्ट्रॉबेरी खाने, फॉरेनर। ओए मम्मे, ओ ठंडा है यार यहाँ तो। एक्चुअली जोस्टल भी यहाँ पे है, तो जोस्टल में भी आ सकते हो अगर आपका ग्रुप है, या इनकेस इफ यू वॉन्ट टू स्पेंड गुड अमाउंट ऑफ टाइम विद स्ट्रेंजर्स। हम लोग जो गए थे वो तो फैमिली वाला प्लेस था, बट इनकेस इफ यू वॉन्ट टू चिल विद यूथ यू कैन ऑलवेज गो टू जोस्टल। पुस्तकाचा गाँव भिलार, ओ ये तो काफी क्लोज कॉल ले रहा है। देखो देखो मिनी हिमाचल। तो हम लोग मोस्टली गर्दी वाले एरिया से थोड़ा सा बाहर निकल गए हैं। वो क्लोज कॉल मैन, क्लोज कॉल। फिफ्थ स्टैंडर्ड में स्कूल की ट्रिप आई थी हमारी, फिफ्थ स्टैंडर्ड में, अभी भी याद है। दरड कोसलण्याची शक्यता, लँडस्लाइड।
रास्ता बनने वाला है। हाँ, काश पेड़ों को बचा पाते। तो अभी स्टिल 3 hours 20 minutes, एक बार हाईवे लग जाए तो आधा एक घंटा ऐसे ही कम कर देंगे हम लोग। ऑलराइट, फाइनली सांगली के लिए लेफ्ट आने वाला है। अच्छा खासा भगाया हमने और 5 बजे ही पहुँच गए लगभग 3-3.5 घंटे में। ऑलराइट, सो ये वाला रोड मैं बार बार वैसे ही कवर करता हूँ, तो कुछ इंटरेस्टिंग आएगा तो कवर करूँगा, अदरवाइज थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई लव यू ऑल गाइज, थैंक यू फॉर 1000 सब्सक्राइबर्स, पता नहीं हुए कि नहीं हुए अब तक, लेकिन फिर भी थैंक यू, कीप सपोर्टिंग, कीप वॉचिंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। Thank you.